हेलो एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट एकेडमी। सो टुडे इज़ क्लास टू। कल मैंने ये सब रिकॉर्ड किया हुआ था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू द रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। सो आई होप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एंड कुछ बेसिक फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे। तो आज हमारा क्लास टू है, राइट? तो चलो विदाउट वेटिंग विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? The first question is, the average of 35 students in a class is 16 and the average of 21 students in a class is 14. What is the average age of the remaining 14 students? Right? इसको करने का दो तरीका है। पहले जो बेसिक है मैं उससे करवा देता हूँ आप लोगों को, राइट? देखो 35 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया है, 16, राइट? एंड एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स कितना दिया है, 14, राइट? एंड द एवरेज ऑफ रेस्ट कितना, 14, इसका हमें निकालना है, राइट? बहुत सिंपल है। तो एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 16, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 35 × 16, करेक्ट? दैट इज कितना, 560, करेक्ट? एंड अगर मैं इसकी एवरेज बोलूँ, 21 का एवरेज, 21 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 14, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 × 14 कितना हो गया, यह हो गया आपका 294, करेक्ट? अब इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो अगर हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 294 - 560, ये हो गया आपका 266, राइट? इसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 19, ठीक है? 19 ईयर्स इज द आंसर। तो दिस इज वन बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड है, इसको आप कर सकते हो, राइट? इसका और एक तरीका है, जिस तरीके से हम मतलब करते हैं एग्जाम में, उसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखो, एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट इज 16 एंड द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14 एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, उनके जो टोटल एवरेज थे वो कितने थे, 16, करेक्ट? अभी जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 14 है, ठीक? बाकी जो 14 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 16 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल लो 14 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट? ज़्यादा इसीलिए होना चाहिए ताकि जो बैलेंस है 16 वो बरकरार रखे, राइट? अगर ये ज़्यादा होता तो फिर ये छोटा होता, बट यहाँ पे ये तो ज़्यादा है, दिस इज़ वेरी बिग नंबर, दिस इज स्मॉल नंबर, तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो इससे कितना ज़्यादा है, ये 16 से कितना ज़्यादा है, 14, 2 ज़्यादा है, कितने में, 14, 21 में ज़्यादा है, करेक्ट? अच्छा, ज़्यादा है तो इसको अपन ऐसे करते हैं, 16+, बिकॉज ज़्यादा है, ये वाला नंबर ज़्यादा होना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने प्लस लिखा, 16 से ज़्यादा होना पड़ेगा, प्लस इसलिए मैंने लिखा, ठीक है? और इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ये जो बचा हुआ नंबर है 14, ठीक? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 + 3 = 19, तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 19 ही आता है। बट दिस वे इज मच, ये फास्टर मेथड, काफ़ी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 3.95, ओके? एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 3.95, हो गया? एंड द एवरेज ऑफ टू ऑफ देम इज 3.4, राइट? व्हाइल द एवरेज ऑफ अदर टू इज 3.85, व्हाइल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू, ये हमें निकालना है, ठीक? तो पहले हम एक बार नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद अपन बेसिक डेविएशन वाला मेथड लगा देंगे, ठीक है? तो अगर हम नॉर्मल मेथड से चले तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 6 इसको हो जाएगा 6 × 3.95, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 23.7, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो, राइट? ये हो गया टोटल, एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 3.95, सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 23.7, करेक्ट? एंड उसके बाद एवरेज ऑफ टू इज, आफ्टर द जो एवरेज ऑफ टू इज 3.4, सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 6.8, राइट? एंड इसका टोटल कितना हो जाएगा, 12.5,
टू इंटू 3.85, 7.7, करेक्ट करेक्ट। अभी इन दोनों को प्लस करके अगर मैं इससे घटा दूं, राइट, इससे घटा दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा, उसी को उसे डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी द एवरेज, राइट। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7.7 प्लस 6.8 आपका हो जाएगा 14.5, राइट, 14.5 आपका हो गया। सो इससे अगर हम 23.7 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा, 23.7 को माइनस कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.2, राइट। एंड इसी को अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.6, सो दैट इज द आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 4.6। तो ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अगर हम बोले इसको बेसिक डेविएशन वाला मेथड से करना है तो डेविएशन वाले मेथड से कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं आज। तो देखो डेविएशन वाला मेथड सब हम यूज करेंगे, डेविएशन वाला मेथड, DEVIATION, डेविएशन वाला मेथड। तो एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 3.95, राइट, एंड द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 3.4, एवरेज ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर इज 3.85, एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू हमें ये निकालना है। ठीक, डेविएशन मेथड लगा दें। तो इससे देखो, अभी देखो ये हमें समझना है, ये 3.95 है, 3.4 है, 3.8 है, ये दोनों, रुको ना कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दोनों नंबर्स छोटे हैं इस कंपैरिजन के, इसके कंपेयर में ये दोनों नंबर छोटे हैं, स्मॉल है, राइट। सो जो ये नंबर होगा ये इन दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो मेरा बैलेंस बनेगा, तभी तो मेरा बैलेंस बनेगा, समझ रहे हो आप, राइट। सो सिंस ये बड़ा होना पड़ेगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3.95 प्लस लिखेंगे, अगर छोटा होता तो फिर हम इसको माइनस लिखते, ठीक। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो ये किससे कितना ज़्यादा है, 0.55 ज़्यादा है, कितने में, दो में ज़्यादा है, राइट, ओके। नाउ इससे ये कितना ज़्यादा है, इससे ये 0.1 ज़्यादा है, 0.10 ज़्यादा है, कितने में, दो में, राइट। अब इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1.1 और प्लस कितना होगा, 0.2, राइट, डिवाइडेड बाय ये 2 बचा हुआ रहेगा ना, तो इससे अपन डिवाइड कर देंगे। सो 3.95 प्लस 1.3 बाय 2, राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3.95 प्लस 0.65 इज इक्वल टू 4.6, राइट। सो हमारा आंसर दोनों तरफ से 4.6 ही आ रहा है, ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35, ओके, द एवरेज ऑफ ए वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 24 स्टूडेंट इज 35, ठीक। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम, ओके। द वेट ऑफ द टीचर, देखो 24 स्टूडेंट्स पहले से ही थे, ठीक है, 24 स्टूडेंट पहले से थे, जब और एक ऐड हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया 25, राइट, जब और एक ऐड हो गया तो उनका जो एवरेज है वो 0.4 kg से बढ़ गया, 0.4 kg से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टीचर का वेट है वो स्टूडेंट्स, मतलब 35 से ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का इसका कितना 35 है ना एवरेज, तो टीचर का वेट इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, अगर कोई ज्वाइन करता है तो देखो यहाँ पे लिख लो आप, एन एवरेज ओल्ड प्लस एन ओल्ड, कितने लोग थे, प्लस एन न्यू, न्यू कितने मेंबर्स ऐड हुए, डिवाइडेड बाय एन न्यू और ये डेल्टा, ठीक। अभी देखो पहले कितना था, 35 था, उस पर अपन ने 24 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट, एक टीचर ऐड हो गया एंड एक ही तो ऐड हुआ है, और डेल्टा कितना होगा, 0.4, राइट।
तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 35 प्लस ये हो गया 25 इंटू 0.4, राइट, ये हो जाएगा 10, 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45, सो द टीचर का वेट है वो है 45 kg, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, इसको याद रख लो, ये इसको याद रख लो आप लोग, तो आप लोग को याद रहेगा एंड इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन 3 years एगो वॉज 27। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, अच्छा 3 years एगो बोला है ना, अच्छा इसको मैं प्रेजेंट मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने प्रेजेंट मान लिया, ठीक है। इससे 3 साल पहले की बात हो रही है भाई साहब, 3 साल पहले की बात हो रही है, 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और बच्चा उन तीनों का एवरेज था 27। टोटल कितना हो जाएगा इंटू 3, दैट इज कितना 81 हो गया। अभी इसको मैं प्रेजेंट पे ले आता हूँ, ठीक, तो प्रेजेंट पे अगर ले आऊँ तो 81 प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि देखो इसका 3 साल, इसका 3 साल एंड हस्बैंड का भी 3 साल जुड़ेगा, तो 3 3 3 9, 81 प्लस 9 इज 90, तो प्रेजेंट में इन तीनों का जो सम है वो 90 है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इसको प्रेजेंट मान लेते हैं, प्रेजेंट में इन तीनों का सम है 90, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है कि द एंड द चाइल्ड, अच्छा एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years एगो वॉज 20। ओके देखो इसको फिर से प्रेजेंट मान लेते हैं, ठीक, प्रेजेंट, फिर वाइफ एंड चिल्ड्रेन का एवरेज देके रखा है 20 साल, इंटू 2 कर लेंगे तो अपना हो जाएगा टोटल, दैट इज 40, राइट, 40। ये बोला 5 साल पहले की बात है, 5 साल इसके लिए भी एंड 5 साल इसके लिए भी, इन दोनों के लिए 5 साल की बात है, राइट। प्रेजेंट पे ले आते हैं, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन में एक जगह पे कर सकता हूँ, इसको प्रेजेंट, इसको पास्ट, इस तरीके से मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दोनों को प्रेजेंट पे लेके आया, राइट। अगर मैं इसको प्रेजेंट पे लेके आऊँगा तो 40 प्लस इसका 5 और इसका 5 मिला के इतना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 50, राइट। अब प्रेजेंट पे हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन का 50 है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन का 90 है, तो माइनस कर देते, इससे इसको इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस 50 इज 40, तो पति का कितना एज निकला 40 साल, ठीक। सो पति का कितना एज निकला 40 साल, तो 40 years विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 8000। ओके, मतलब कोई एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स कुछ थे, राइट, टोटल वर्कर्स कुछ थे, उनका जो एवरेज है वो है 800, एवरेज सैलरी 800, टेक्नीशियंस का है 12000, राइट, एंड एवरेज ऑफ रेस्ट जो बच गया है उनका कितना है, उनका है 6000, राइट। अच्छा तो इस केस पे देखो, यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स है, ठीक है, तो दो वेरिएबल्स गायब है, तो दो अगर वेरिएबल गायब रहे तो हम इसको डेविएशन वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही निकलना था, तो इसीलिए हमने इस पर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, निकल गया, बट यहाँ पे दो है तो इसको अपन बेसिक तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, इसको अगर मान लेते हैं एक्स, तो कितना वर्कर्स थे, टेक्नीशियंस कितने थे, 7 टेक्नीशियंस थे ना, तो अगर 7 टेक्नीशियंस थे तो ये हो जाएगा कितना आपका एक्स माइनस 7, टोटल अगर एक्स थे, अगर 7 टेक्नीशियंस थे तो बचेगा कितना, एक्स माइनस 7, ठीक। अभी टोटल निकाल लेते हैं आप, टोटल कितना होगा, एक्स इंटू 8000 इज इक्वल टू 7 इंटू 12000 प्लस 6000 इंटू एक्स माइनस 7, यही होना चाहिए, राइट, यही होना चाहिए। सो ये कितना होगा, 8000 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 84000 प्लस 6000 एक्स माइनस 42000, राइट। तो इसको यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2000, राइट, ये हो गया 2000 एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा 2000, ठीक, ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा
42, राइट। ये हो गया, ये 3 0 3 0 कट जाएगा एंड ये बच जाएगा 21। सो एक्स का वैल्यू 21 निकल गया। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज 21। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज 21, जो रिमेनिंग थे वो 21 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14, राइट। सो जो बचे हुए थे तो 14। इस तरीके से आप दोनों भी निकाल सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12, ए न्यू 7th ऑब्जर्वेशन इज एडेड एंड एंड एवरेज इज डिक्रीज बाय 1, ओके। द 7th ऑब्जर्वेशन इज, देखो इसी को भी हम वो पहले जैसे फॉर्मूला से, हम पहले के फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ज्वाइनिंग ही हो रहा है, राइट, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, एक न्यू 7th मेंबर ज्वाइन हो रहा है। तो ज्वाइनिंग इज इक्वल टू एंड जो एवरेज वाला था, ओल्ड एवरेज, या फिर एवरेज ही लिख लो, एक ही एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज प्लस एंड ओल्ड मेंबर्स प्लस एन न्यू डिवाइडेड बाय एन न्यू, और ये डेल्टा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितने थे, एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन वाज 12, यहाँ पे एवरेज हो गया, प्लस 6 प्लस 1, क्योंकि एक ही तो नया ऐड हुआ है, और कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 1 हुआ है। डिक्रीज अगर हुआ है तो इसको माइनस लिख लेंगे, बस हो गया काम हमारा। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज द आंसर, ठीक। वेरी सिंपल। अभी आप लोग ये नया चीज़ सीख रहे हो तो फिर थोड़ा आपको डर लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, यूज दिस एंड आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे SSC CHSL में, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे MTS में, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। बोलते हैं ना कि CHSL का लेवल थोड़ा ईजी रहता है, लेवल कोई ईजी वीजी नहीं रहता, बस वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। लेवल टफ मतलब क्या करेगा, लेवल टफ मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा कर देगा, बोल देगा यहाँ पे 20% घुसा देगा, 80% घुसा देगा, या फिर कुछ नंबर्स दे देगा इम्प्रॉपर फैक्शन में, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, उसी को बोलते हैं लोग टफ, दैट्स इट। बट देखो ये सब फॉर्मूलाज याद रखो, या फिर आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड समझाया है ताकि आप एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आप निकाल पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जाम इज 35, ओके। एवरेज ऑफ 120 कैंडिडेट्स इन एन एग्जाम, सर्टेन एग्जाम इज 35, ये तो एवरेज मार्क्स हो गया। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स, अच्छा इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं अपन, है ना। देखो अगर 120 कैंडिडेट्स थे उसमें से 35 क्या था, एवरेज पासिंग पास थे, एंड डेट ऑफ पास कैंडिडेट इज 39 एंड डेट ऑफ फेल कैंडिडेट इज 15, ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड, पास मान लेते हैं x, तो फेल कितना होगा, 120 माइनस x, ठीक, 120 माइनस x। तो यहाँ से यहाँ पे भी हम बेसिक लगा लेते हैं, तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल 120 × 35 इक्वल टू x इंटू 39 प्लस 120 माइनस ऑफ x इंटू 15, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 100, ठीक है, राइट। तो जहाँ पे दो वेरिएबल्स मिसिंग है तो वहाँ पे आप नॉर्मल मेथड लगा देना, वहाँ से आपका आंसर तुरंत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 8% इन ए कमिटी इज इंक्रीज बाय 2 व्हेन 2 मेन ऑफ 35 इयर्स एंड 45 इयर्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 वुमेन, फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन। अच्छा ठीक है, देखो 8 लोगों का एक कमेटी था, ठीक है, कुछ था। अब जब दो मैन यहाँ से निकल गए, उनकी एज क्या थी, 35 एंड 45, ठीक है, दो उम्र के लोग निकल गए, ठीक है, मैन निकल गए और दो वुमेन घुस गए, ओके, ठीक है, कमेटी में दो वुमेन, नए वुमेन की रिक्रूटमेंट हुई, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा इसके बाद बोला है कि इंक्रीज बाय 2 इयर्स, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों निकल गए, जब मैन निकल गया एंड जब वुमेन घुसे अंदर, तो इनका जो एवरेज है, एवरेज 2 इयर्स से बढ़ गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वुमेन की एज ज़्यादा होगा तभी तो एवरेज बढ़ाया उन्होंने। अगर वुमेन का एज कम होता तो एवरेज घट जाता ना,
बट यहाँ पे बढ़ गया, वोमेन का एज बढ़ गया क्योंकि वोमेन सॉरी एवरेज बढ़ गया क्योंकि वोमेन का एज ज्यादा है। करेक्ट, क्लियर है यहाँ पे बात? ठीक है, अब देखो अगर टोटल एज की बात करूँ तो 80 था, 80 जा रहा था, ठीक, 2 इयर्स बढ़ा है, राइट, 2 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है जो ने, बिकॉज देखो नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही है, 2 गए 2 आए तो नंबर ऑफ पर्सन सेम ही रहेगा, कितने में बढ़ा है 8 लोगों में, सो 16, तो 16 बढ़ गया है। पहले जब इनका एज था, जब ये इनका टोटल एज था कितना 80, राइट, इनका टोटल एज था 80, 16 बढ़ गया है 2 लड़कियों के आने के बाद, ठीक है, टोटल कितना हो गया 96, राइट, टोटल हो गया 96। अब ये दोनों का दिया हुआ है, अब एक का अगर हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 96/2 इज इक्वल टू 48, यही है आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करो, ठीक है, चलो नेक्स्ट। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 16 पर्सन इज 28 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 2 पर्सन ईच 58 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट द ग्रुप एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज, द एवरेज एज ऑफ 16 पर्सन इज 28 ईयर्स 3 मंथ्स, सो 28.25 ईयर्स हम इसको से लिख सकते हैं, एंड 2 पर्सन ईच 58 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट द ग्रुप, 2 पर्सन 58 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट द ग्रुप, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इज, ठीक है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन हमें निकालना है, राइट। देखो एक बेसिक तरीके से भी हम कर सकते हैं, इन इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल हो जाएगा 16 × 28.5, दैट इज 452, राइट, एंड इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल हो जाएगा आपका 116, राइट, आप इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 33.36, राइट। अब 16 में से 2 लोगों का तो एज तो इतना था, बचा कितना 14, तो इसको अगर हम 14 से डिवाइड कर दें, राइट, इसको अगर हम 14 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक, तो यही आंसर है, राइट, ये 24, राइट। इसको और एक तरीके से भी हम कर सकते हैं, देखो 28.25 है, राइट, अब दो लोग निकल गए, 2 लोग निकल गए, इसका मतलब क्या होगा, एवरेज कमेगा, घट जाएगा, एवरेज घट जाएगा ना, क्योंकि 2 लोग तो निकल गए, 58 ईयर्स की उम्र के ये लोग थे, राइट, क्योंकि एवरेज 28 है, एवरेज 28 है, अब बहुत बड़ा इंसान अगर जा रहा है, एवरेज ज़्यादा है उनका, एज ज़्यादा है उनका, तो अगर वो लोग निकल जाएंगे तो एवरेज तो मेरा घटेगा ना, राइट, तो इसकी वजह से देखो 28.25 हो गया माइनस, क्योंकि घटेगा ना इसीलिए माइनस, राइट। अभी देखो इससे ये कितना ज़्यादा है, राइट, वो डेविएशन वाला मेथड में समझा रहा हूँ आप लोगों को, राइट, इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 58 माइनस 28.25 इज 29.75, कितने में 2 में, सो 29.75 कितने में 2 में, राइट, इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 14 से, क्योंकि 14 लोग ही बचे हुए हैं, राइट, सो 28.25 माइनस 4.25 इज इक्वल टू 24, इससे भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक, इससे भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैंने छोटा ही रखा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, ठीक है, जल्दी मिलूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, टिल देन कीप स्टडिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।